अब हमने यहाँ तक बेसिक मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन ये चीजें देखी हैं। अब जरा गौर से और आगे आप लोग फोकस करो इसी तरह। अब देखो अगली चीज देखो, मीन लेट से एक्स की कुछ वैल्यूज है, एक्स की कुछ वैल्यूज है, मैंने 10 मार्क्स का एक क्लास में टेस्ट लिया और उसमें जो मार्क्स आए वो आए 5, 7, 9। 5, 7, 9 तीन मार्क्स आए। मुझे ये बताओ कि समेशन ऑफ एक्स कितना होगा? 21। ये होगा मेरा समेशन ऑफ एक्स। अच्छा, मीन की वैल्यू कितनी होगी? 21/3 विच इज 7। सही है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज इस तरह से करते हैं कि मैं बोलता हूं कि मैंने एक टेस्ट लिया, एक बच्चे के 5 मार्क्स आए, एक बच्चे के 7 मार्क्स आए और एक के मार्क्स जो आए वो मुझे नहीं पता, अननोन है ए। ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी बनी? 12+ A। और मुझे मीन बताई भी थी 7। देखो, अगर मुझे मीन बताई भी है ना 7, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। अब अगर मीन बताई भी है 7 और मुझे ये भी बताया हुआ है कि टोटल 3 स्टूडेंट्स थे, तो समेशन ऑफ एक्स मैं ढूंढ सकता हूँ, यानी कि इनके मार्क्स का जो टोटल होगा वो कितना होगा ये मैं मालूम कर सकता हूँ। 7 × 3 इज 21। मैंने 3 जो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर, वो लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो इसका मतलब हो गया, मुझे ये पता चल गया कि यार तीनों स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे ना उसका टोटल 21 होना चाहिए। यहां से मेरे पास जो समेशन ऑफ एक्स आ रहा है वो आ रहा है 12+ A, तो आप यूं लिख सकते हो 21 इज इक्वल्स टू 12+ A और A होगा 9 इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। विच मीन्स के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तीनों बच्चों के मार्क्स का टोटल 21 है और उसमें से अगर पहले और दूसरे बच्चे के मार्क्स जो है वो 5 और 7 हैं, तो 21 में से अगर 5 और 7 निकाल दूं तो जो बचा हुआ बच्चा होगा उसके मार्क्स आ जाएंगे जो के होंगे 9। इस तरह से आपका कोई सवाल आ सकता है कि जिसमें उसने मीन दी भी हो और किसी एक के मार्क्स जो है ना वो आपको ना बताए हुए हो और आपने वो मार्क्स फाइंड आउट करने हो। ठीक है, दूसरी चीज, मीडियन जो है ना, मीडियन इससे रेलेवेंट है। अब लेट से कि आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज है 1, 3 और 9, मीडियन क्या होगा? मीडियन इज मिड वैल्यू। 1, 3 और 9 में मिड वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, अगर आपको डेटा दिया हुआ है 1, 6, 13, 18, 20, मीडियन क्या होगा? 13 होगा, सेंटर में 13 है। यानी कि अगर 3 वैल्यूज दी हुई थी 1, 3, 9 तो सेंटर में सेकेंड वैल्यू आ रही थी। अगर 5 वैल्यूज दी हुई थी 1, 6, 13, 18, 20 तो सेंटर में थर्ड वैल्यू आ रही थी और वो मेरा मीडियन था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 9, 15 चार वैल्यूज दी हुई हैं, पहले जो दो केसेस थे उसमें आपके पास डेटा था ऑड सेट ऑफ डेटा, 3 चीजें थी, 5 चीजें थी, 7 चीजें थी,
इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास चार चीजें हैं, तीन होती तो एक पहले छोड़ी, एक आखिर में छोड़ी, सेंटर वाली पिक कर ली। पांच है तो दो शुरू की छोड़ दी, आखिर की दो छोड़ दी, सेंटर में तीसरी आ रही है वो पिक कर ली। लेकिन अगर आपके पास चार वैल्यूज होंगी तो जो दो वैल्यूज सेंटर में आ रही होंगी इसका हम एवरेज लेंगे, यानी कि आपका जो मीडियन होगा ना वो होगा 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, और आपका मीडियन होगा 6। मीडियन इज योर मिड वैल्यू। लेकिन अगर मेरे पास चार वैल्यूज हैं यानी कि डेटा इवन नंबर में है, तो मीडियन निकालने के लिए सेंटर की दो वैल्यूज का हम एवरेज लेंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास डेटा हो 1, 6, 13, 18, 20 और 27, 6 वैल्यूज हो, इस सिनेरियो में सेंटर में ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं 13 प्लस 18 दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड करूंगा। 13 प्लस 18 इज 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 इज 15.5। इस तरह से मैं अपना मीडियन निकाला करूंगा। ये वो सिनेरियो है जिसमें हमारा डेटा जो है ना वो इवन है, यानी कि मेरे पास चार चीजें हैं या मेरे पास छह चीजें हैं, तो इस तरह से हम अपनी वर्किंग करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट चीज, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करी थी, सही है? उसको जरा वापस से हम देखते हैं। अब जरा गौर से सुनना। लेट से एक स्कूल है, उसमें एक बार टेस्ट नंबर वन, एक बार टेस्ट नंबर टू और एक बार फाइनल एग्जाम, एक बार फाइनल एग्जाम। टेस्ट नंबर वन यानी कि जो पहला टेस्ट था ना वो 10 मार्क्स का था, टेस्ट नंबर टू यानी कि जो दूसरा टेस्ट था वो भी 10 मार्क्स का था, और जो फाइनल एग्जाम था वो 100 मार्क्स का था। ठीक है, पहले दो मंथली टेस्ट थे और एक फाइनल एग्जाम था। अब टेस्ट नंबर वन 10 मार्क्स का था, एक बच्चे के 4 मार्क्स आए, दूसरे बच्चे के जो है वो 5 मार्क्स आए, तीसरे बच्चे के 6 मार्क्स आए। मुझे बताओ कि टेस्ट नंबर वन के एवरेज मार्क्स क्या होंगे? एवरेज मार्क्स कैसे आएंगे? समेशन ऑफ एक्स म्यू इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन विच इज 15/3 विच इज 5। यही बनेंगे एवरेज मार्क्स। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें जो कि हमने कैलकुलेट अभी पहले भी किया, विच इज अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर एन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज होंगी 4 × 4 इज 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 16 एंड 25 इज 41, 41 एंड 36 77, 77। सर सिंपली हम से सिविल हाँ, तुम थोड़ा सा लेट आए थे, अभी तुम कॉपी कर लो और शुरू की जो चीजें मिस हुई हैं वो फिर क्लास के बाद में देख लेना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। 77/3 माइनस 15/3 का होल स्क्वायर कितना आता है बताओ? स्क्वायर
सही आ रहा है आपका 0.816 फाइनल आंसर बता रहे हो, अंडर रूट के अंदर भी एक आ रहा है 0.816 जीरो पॉइंट 816। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। अब मैं टेस्ट नंबर 2 की बात करता हूं अच्छा सर जो नाम यार। से अच्छा, टेस्ट नंबर टू में पहले वाले स्टूडेंट के 2 मार्क्स आए, दूसरे के 5 मार्क्स आए, ठीक है, और तीसरा वाले जो स्टूडेंट था उसके 8 मार्क्स आए। अब अगर मैं टेस्ट नंबर 2 की बात करता हूं तो टेस्ट नंबर 2 में समेशन ऑफ एक्स अगेन 15 होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे तो 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, 8 × 8 = 64। अगर हम इस सबको ऐड करेंगे आपके पास एंट्री आ रही तो ये कितना आएगा बताओ, 93 93 आएगा। मीन कैलकुलेट करेंगे तो अगेन समेशन ऑफ एक्स ओवर एन यानी कि 15/3 = 5। स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट में 93/3 − 15/3 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ। पॉइंट 2.45। यहां पर स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है 2.45। अगर अगर मुझे कोई बोलता है कि टेस्ट नंबर 1 की परफॉर्मेंस को टेस्ट नंबर 2 की परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, तो मैं ये बोलूंगा कि टेस्ट नंबर 1 में भी बच्चों के एवरेज मार्क्स 5 आए थे, टेस्ट नंबर 2 में भी बच्चों के एवरेज मार्क्स 5 आए, यानी कि दोनों टेस्ट में बेस्ड ऑन एवरेज मार्क्स बच्चों की परफॉर्मेंस सेम है। लेकिन फिर हमने ये पढ़ा था कि ये सफिशिएंट नहीं होता। मैं अपने कमेंट्स में ये भी मेंशन करूंगा कि टेस्ट नंबर 1 में इन कंपैरिजन टू टेस्ट नंबर 2 बच्चों की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट थी या मोर और लेस सेम थी या करीब करीब थी। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम आएगा उतना मतलब ये है कि सारी इंडिविजुअल एक्स की वैल्यूज मीन के करीब करीब है। टेस्ट नंबर 1 में एवरेज मार्क्स 5 थे और इंडिविजुअल बच्चों के भी अगर मार्क्स देखो तो 4, 5, 6 करीब करीब आए, एक जैसे रिजल्ट्स आए, एवरेज के करीब करीब आए। इन कंपैरिजन टू टेस्ट नंबर टू का भी एवरेज 5 ही है, मगर उसमें एक स्टूडेंट के बिल्कुल ही कम 2 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एवरेज के बराबर आई और एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एवरेज से बहुत बेहतर आई। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, आपको ये समझना है कि आखिर इसका मकसद क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन कम आने का मकसद ये है कि सारी इंडिविजुअल वैल्यूज मीन या एवरेज के करीब करीब होंगी, विच मीन्स के इट इज शोइंग कंसिस्टेंसी।
जबकि टेस्ट नंबर टू में एवरेज तो 5 है, बट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं पढ़कर आया, कोई बहुत ज्यादा पढ़कर आया है।